बातें आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात करेंगे हम दे जो दूसरे दलों में हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो या तो लोग लड़ रहे हैं या आपके साथ मिल रहे हैं नारायण राणे, बेहतर है क्या लड़ेंगे आपके पास ही हो लेते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या झगड़ा करना है आप ही के पास हो लेते हैं, पश्चिम बंगाल के तो नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो आपके पास में भाजपा शरणम गच्छामी हो गए। पर आपसे जानने का जो विषय है वो ये है कि आप ये बता रहे हैं कि बोफोर्स के मसले में ऐसे पेपर थे, 2G के संदर्भ में भी कुछ कागज़ थे। यहाँ पर मसला यह है कि एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट का प्रभाव आम भारतीय के निवेश पर पड़ता है, आम भारतीय की जेब कट जाती है, बड़े पैमाने पर आम निवेशक का नुकसान होता है। तो जानना ये चाहते हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी, जिस सदन को आपने सुशोभित किया इतने वर्षों तक, उस सदन की जिम्मेदारी है किसके संदर्भ में? आम जनता के संदर्भ में है, आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए है, या आम जनता के हितों की रक्षा छोड़कर सदन कागज कागज चिल्लाएगा और अपनी सहूलियत के अनुसार फैसला लेगा? नहीं, मैं क्या आम आदमी के हितों की रक्षा के संदर्भ में सवाल उठ खड़ा हुआ, बड़े पैमाने पर निवेशकों का कम समय में अभूतपूर्व किस्म का नुकसान हुआ, क्या इसके मद्देनजर सर्वोच्च, जिस संस्था को आप बता रहे सर्वोच्च समिति है, उसका गठन देश में यह भरोसा पैदा नहीं करता कि सरकार की पारदर्शिता के प्रति आस्था है, इस सरकार का दूध से का दूध और पानी का पानी करने के प्रति भरोसा है, इस सरकार की मंशा लोगों के सामने सच लाने की है? जिस समिति में आपका ऐसा जबरदस्त बहुमत रहना है उस समिति का गठन करने के लिए वे आप तैयार नहीं हुए, क्यों? नहीं, नहीं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आखिर सदन की कमेटी बनाना मतलब कोई बच्चों का खेल वाला मामला नहीं है ना। अच्छा, एक विदेशी कंपनी ने कोई रिपोर्ट जारी किया। अब जहां तक आप कंपनियों की बात कर रहे हैं, कंपनियां जो शेयर मार्केट में जा रही हैं, शेयर्स पब्लिक खरीदती है, कंपनियों की अपनी क्रेडिबिलिटी के आधार पे उनके शेयर्स बढ़ते और घटते हैं। निश्चित तौर पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उससे लोगों में जो आशंका हुई उससे उसके शेयर्स गिरे, लेकिन शेयर्स गिरना और चढ़ने पर किसी सरकार का नियंत्रण क्या है, ये महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि अगर कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण, सरकार के नियंत्रण के कारण, सरकार के किसी एक्ट के कारण अगर कोई ऐसी चीज हुई है तो उस पर जो है आप अगर कोई तथ्यात्मक बात रखेंगे तब जो है सदन की कमेटी आती है। आप ऐसे रिमार्केबल बाहर में कुछ भी बात करते रहे, कुछ भी बोलते रहे, तो ये इस बार नहीं आ, देखो ना, बिल्कुल ठीक है, पहले शेयर था, शेयर तो गिरता है उठ चढ़ता है, गिर चढ़ गया, तो इसके लिए जेपीसी बना दे क्या? प्रेम प्रकाश जी की दलील है, इसका उत्तर मुझे श्रवण जी से मिलेगा, श्रवण जी के पास जब आऊंगा। अभी एक संक्षिप्त टिप्पणी लेनी है मुझे उमाशंकर यादव जी, उमाशंकर जी अपना भविष्य कितना उज्ज्वल देख रहे हैं, साफ तौर पर चर्चा में दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टी के शिरोमणि, देश के सबसे अनुभवी राजनेता, मौजूदा सरकार, देश के सबसे बड़े उद्योगपति, दोनों की भरपूर मदद करने के लिए तत्पर हैं। आपको अपना भविष्य कितना उज्जवल दिखाई दे रहा है? 2024 में उम्मीद करें कि एनसीपी एनडीए का हिस्सा बना हुआ दिखाई देगी, अटल के दौर की एनसीपी एक बार फिर भाजपा के साथ हम कदम होगी, उम्मीद करें कि आपके नेताजी 2024 में मोदी जी के साथ सभाओं में दिखाई देंगे, कितना उल्लास है आपको भविष्य को लेकर, कितना उत्साह है? भाई हिमांशु जी, अभी हमने आपको बताया कि मेरे नेता को नेता से गुरेज नहीं, नीति से विरोध है जी। दूसरी बात, हम पवार साहब ने जो कहा जेपीसी या डिग्री, ये सब मुद्दा तो चलना चाहिए, साथ में महंगाई और बेमौसम की जो बारिश हुई जी, इस पर भी सदन में चर्चा ही होनी चाहिए। और जब 400 रुपया सिलेंडर, गैस सिलेंडर था, तब भारतीय जनता पार्टी के जो है चूड़ियां तोड़ी जाती थी, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि जब 400 रुपया सिलेंडर था तब बड़ी मांग। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात श्रवण जी ने उठाई थी, उसका एक उत्तर दे दीजिए, फिर जाके मैं माननीय त्रिवेदी जी के पास एक बार फिर जाना चाहता हूं। यह आपके नेता ने तब बिल्कुल नहीं बोला जब संसद चल रही थी, जब संसद का सत्र खत्म हो गया तब तो